सोशोलॉजिकल कंसेप्ट्स। सोशोलॉजी, द टर्म सोशोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, सोशियस एंड लॉगस। जो लैटिन वर्ड सोशियस है उसका मतलब है सोसाइटी, और जो ग्रीक वर्ड लॉगस है उसका मतलब है स्टडी और साइंस। दस द एटमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी इज साइंस ऑफ सोसाइटी, या कह सकते हैं स्टडी ऑफ सोसाइटी। अगस्ट कॉम्टे, ए फ्रेंच फिलोसफर, इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड टू बी ए फादर ऑफ सोशोलॉजी। ही इंट्रोड्यूस द वर्ड सोशोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज फेमस वर्क पॉजिटिव फिलोसफी एट अबाउट 1839। अगस्ट कॉम्टे का टाइम फ्रेम है 1798 टू 1857 AD। ही डिफाइंड सोशोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज, द डिस्कवरी ऑफ विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर हम आसान भाषा में कहेंगे सोशोलॉजी का क्या मतलब है, तो सोशोलॉजी एक स्टडी है सोसाइटी की, जो कवर्स करती है मैन एंड हिज ह्यूमन एनवायरनमेंट, इंटरेक्शंस, सोशल रिलेशंस, ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल एक्शंस। अब हम इसके आगे सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। सोसाइटी, द टर्म सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियस विच मीन्स कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप। कंपेनियनशिप मीन्स सोशियबिलिटी, एन एबिलिटी टू एंगेज इन इंटरपर्सनल रिलेशंस। मैन इज अ सोशल एनिमल सेट बाय अरिस्टोटल सेंचुरीज अगो। मैन लिव्स इन टाउन, सिटीज, ट्राइब्स, villages, but never alone. Man needs society for living, working and enjoying life. Society has become an essential condition for human life to arise and to continue. Human life and society always go together. इंसान जब भी इस धरती पे आया है, उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी न किसी की जरूरत पड़ी है। जैसे कि अगर एक इंसान फसल उगाता है तो दूसरा कपड़े बनाता है, या तीसरा मकान बनाता है, तो ये सारे एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी क्या है ह्यूमन की, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग। और अगर उनमें से कोई बीमार हो जाता है तो उससे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे स्किल्स किसी एक में होना बहुत रेयर है। चाहे आप अगर किसी रिलेशनशिप में भी आना चाहोगे तो आपको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैकीवर भी कहता है कि सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये जो सोसाइटी है, ये जाल है सोशल रिलेशनशिप्स का। हम सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कम्युनिटी, कम्युनिटी इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग विद इन अ ज्योग्राफिकल एरिया इन कॉमन इंटरडिपेंडेंस। इट एग्जिस्ट विद इन द सोसाइटी, इट इज़ बाउंड बाय द टेरिटोरियल यूनिट्स। अकॉर्डिंग टू ऑस्बॉर्न एंड न्यूमर, कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए कॉन्टिजुअस ज्योग्राफिकल एरिया। कॉन्टिजुअस मीन्स शेयरिंग अ कॉमन बाउंड्री, हैविंग कॉमन सेंटर्स ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज, एंड फंक्शनिंग टूगेदर इन द चीफ कंसर्न्स ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया में रहती है, शेयर करती है कॉमन बाउंड्री, उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं और वो कॉमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कम्युनिटी की, डेफिनेट टेरिटरी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और वी फीलिंग अमंग देम, एंड कॉन्क्रीट एंटिटी। एसोसिएशन, एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स कलेक्टेड टूगेदर विथ सम पर्टिकुलर एम फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। एसोसिएशन एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स है जो जुड़ता है एक पर्टिकुलर एम को पूरा करने के लिए फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। द एम्फेसिस इज ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड एम। इट डिफर्स फ्रॉम कम्युनिटी इन सेवरल वेज। इट्स मेंबरशिप इज लिमिटेड बाय द नेचर ऑफ इट्स एम। इट मे एग्जिस्ट विद इन अ कम्युनिटी और आउटसाइड इट। इन ऑर्डर टू फॉर्म एन एसोसिएशन, firstly there should be a group of people, secondly these people need to be organized and should be worked according to the given specifications and rules in order to give the successful output. Music club and trade units can be considered as examples of associations. It is bound by a bond of sentiments. Association is an agreement which may be temporary or permanent. थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अगर आप JK SSP मेडिकल सोशल वर्कर की तैयारी कर रहे हैं
तो आप हमारे आगे आने वाली लेक्चर सीरीज़ जो सोशोलॉजी पे ही बेस्ड है उन्हें ज़रूर देखें। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी। इसमें हम एमसीक्यूज़ को भी इन्वॉल्व करेंगे जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए होंगे। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.